जाए
Oh,
ज्यादा घराने मजलूम करबला जिंदा रहिए, सलामत रहिए। मैं आज दो बातें करूँगा और उसके बाद प्रोग्राम को इंशाल्लाह चलता रहेगा। पहली बात ये कि मुझे 25 साल लगे जाफर इकरामी साहब के होठों से, उनसे ये जुमला सुनने के लिए कि कैप्टन खालिद मलिक तुमने मेरे यहाँ निजामत करनी है। मेरी ये ख्वाहिश 1956 से थी कि जब जाफर इकरामी साहब माशाल्लाह बार बार में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज करते थे और कराची शहर के बड़े बड़े नाम पर माजरीन आते थे और मुझे भी हसरत होती थी, तो वो मेरी दुआ माला ने कल रात खैमा या पास में जैसे था उसमें जैसे ही मैं किला दाखिल हुआ तो डॉक्टर निगरानी साहब मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि कल तुमने मेरे घर पे निजामत कर दी। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, वो 25 साल मुझे लग रहा है कि 25 मिनट करने की बात है। बड़ा सलामत रखे। दूसरा, इनका जो मुझ पर एहसान है, इनसे पहले कभी किसी ने किया नहीं और इनके बाद भी अब किसी ने करना नहीं, वो ये है कि अभी किबला ने जो जिक्र किया शाम में दमिश्क में हरम में मुसाफिर शाह बीवी में जाकिरी का, वो क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। वो 22 सफर की मजलिस जो सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब करते हैं बड़े पैमाने पर, ये 2006 या 2007 की बात है। शाम में थे, काबूल तैयार हो चुका था, अगर मुस्लिम अब्बास साहब की वो टोपी सर की मेरे पास आ चुकी थी तो वो पढ़ी सफर रजा ने नासिर अब्बास साहब भी थे और जैसा मिसाल पढ़ा सारे मौजूद थे, लेकिन बस पता नहीं डॉक्टर गिरनामी साहब को बीबी ने कहा होगा, इन्होंने महमूद नकवी साहब से कहा कि छोड़ो सब सो बस कैसे खालिद से पढ़वाओगे और दूसरे से पढ़ा। मैंने जब मुझे ये हुक्म हुआ मेरे तो नाली कब कमाने लगी कि कहाँ मैं कब मेरे बाद में कहाँ पे, लेकिन बस ये क्योंकि वहीं से था तो इज्जत भी वहीं से मिली। तो ये क्रेडिट जो है ये जाहिर है मैं बस बस कब्र की दीवारों तक नहीं पहुँच सकता, ये एहसान है जाकर के लगा मौलान सेहत और सलामत लेता फरमाए, इनके साथ वादे को इनके तमाम घराने को मौला खुशियाँ का फरमाए और इनके जितने भी मरहूमीन हैं मौला उन सब से बचा कर फरमाए, अपनी हमारी सबकी जो भी हाजत है कबूलियत के लिए मिलकर एक मरतबा जरूर भेजे मोहम्मद वाले मौलान। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा ये जो मोहल्ले के हैं बच्चे छोटे छोटे, मैं किबला से गुजारिश करूँगा कि आप बुलाते रहेंगे तो बोला सलामत रखे जरूर भेजिए मोहम्मद वाले मौलान। शिफी में आए रे, ये जैसे सुखी कशिफी में
से जाहिर है रुतबा अकबर
से जाहिर है। पूछा गया यूसुफ से जब हुस्न के बारे में, उसने कहा ये तो है सदका यकबर का। इस बात से जाहिर है रुतबा غازی علی نمار ہے تو اکبر ہے مصطفیٰ، غازی علی نمار ہے تو اکبر ہے مصطفیٰ، ایسے ہی پھول کھلتے ہیں باغ بتول میں۔ فقیر صاحب سے گزارش کر اس کا کارکرم والا مزاج ہے کہ جب اس کا ذکر کچھ لکھنا ہے جناب تو کے ساتھ اس پر ساتھ دبت نیتی ہوں پر رہے ہیں۔ کہتے ہیں
मिलकर चलें हुसैन के घर, मुबारकबाद देने चलते हैं हुसैन के घर, मुबारकबाद देने चलते हैं हुसैन के घर, नजूले नूरे चली है खुशी की साथ है, नजूले नूरे चली है खुशी की साथ है, अब एक और अली आ गया हुसैन के। अच्छा, नारा लगाने पे पाबंदी कोई नहीं, नारा जिसका जी चाहे लगा, जवाब सब मिलकर देंगे। मौला सलामत रखे या ये मदद कहने वालों को, दुरूद दे दिए मोहम्मद नबी मेहंदी साहब से मैं गुजारिश करूंगा आपके बारे में और अपना सर इधर पेश करें जनाब नबी मेहंदी। ज़ुल्फ़त तेरी शान है अकबर, ये फ़क़त तेरी शान है अकबर, ये फ़क़त तेरी शान है अकबर, तू अभी तक जवान से Yeah.
जो सेवन में लगा है लाल के दरबार पर समझते हैं
हटके जो मशरूब से खारा समझते हैं। चले बाधे नबी जो भी न पीछे आल अहमद के, पैगंबर भी उसे तकदीर का मारा, पैगंबर भी उसे तकदीर का मारा समझते हैं। हासिल कलम शेर पेश कर रहा हूं। खता क्या है अगर है प्यार हमको आले अहमद से, खता क्या है अगर है प्यार हमको आले अहमद से, खुदा के प्यार के प्यारों को हम प्यार, खुदा के प्यार के प्यारों को हम प्यारा समझते हैं। और भला इस नाम के अहकाम क्यों गैरों से ले जब के, पयामे करबला को दीन हम सारा समझते हैं, पयामे करबला को दीन हम सारा समझते हैं। मकसद मुझे फरमाइएगा। शजात आज तक ना पी गई जिसकी न ऊंचाई, शजात आज तक ना पी गई जिसे की ना ऊंचाई, अली के इल्म हिकमत का वो मीनारा समझते में जमाना बुलंद तरीन सर सर। जज़ाकअल्लाह सर, सलामत रहिए, दुरूद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। इस बस में जनाब रियाज मेरठी साहब मुल्क के नाम पर शायर तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद कहते हैं, दुरूद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा, आजकल आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और ये हो भी रहा है कि अच्छा कुछ बातें ऐसी होती है, नाम नहीं लेना, बस आपने समझ में FIR कर जाते हैं। जो हमारे रिवाज बन गया ना, क्योंकि वो लाइव दिखा रहे होते हैं, इससे भी हमें बड़ा नुकसान है। नहीं, अब हम बड़ा एहतियात से होते हैं, लाइव जा रही है, जानी चाहिए, एडे भी डरपोक दे, हमें तो पता है कि हमने आगे यहाँ भी अली अली कर रहे हैं, आगे भी हुकूमत अली की, डर कोई नहीं। तो फलाह को ये कह दिया, फलाह को ये कह दिया, FIR कटवा देते हैं। अब मैं जो कहने लगा हूँ उसके खिलाफ FIR कटवाओ अगर मर्द के बच्चे तो फिर माने, और कौन कह रहा है ये भी जरा जहन में रखिएगा। जरा मिलकर दरूद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं कह रहा हूँ कटवाए FIR, मैं कह रहा हूँ बल्कि जरूर कटवाए, अगर आपको इतना ही प्यार है, इतना ही लाड है, तो कटवाए FIR। वो कुछ इस तरह से है कि खैबर की पूरी जंग में मौला तेरे सिवा, खैबर की पूरी जंग में मौला तेरे सिवा, औरत कहा रसूल ने हर एक मर्द को, उसको सलामत रख के कटवाए ना फिर FIR, और कहा रसूल ने हर एक मर्द को।
फिर माने के तुम वाकई मर दो, कटवाओ एफआईआर, दूध भेजिए मोहम्मद गालिब को। पूरा पास से गुजारिश करूंगा, इतने जबरदस्त नाम रखते हैं हमारे लोग के, बस इबादत तो हो ही जाती है लेकिन माशाल्लाह जियो बेटा हो रहा कुछ इस तरह से कि अली के सामने हंसकर जनाबे जहरा से, अली के सामने हंसकर जनाबे जहरा से कहा, रसूल ने खालिक से मिलकर आया हूं। अच्छा आज शहर में काफी महाफिल है, लिहाजा रियाज भाई ने हुक्म किया है कि कैप्टन साहब मैंने जाना है वरना हम इनको आखिर में पढ़ेंगे। रियाज मेरे ठीक साहब से गुजारिश करूंगा बारगाह मौला में नजराने अकीदत पेश करें और आपसे गुजारिश है आहिस्ता से दुरूद दीजिए ना मोहम्मद वाले। हमें वो
तरफ जैसा कि आपको मालूम है कि शहर में काफ़ी मामले हैं और सादत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माफिल में शरीक हो जाए। आप तो मुसलसल मतलब है कि इस सादत में शरीक हैं क्योंकि एक कैमरा तो ये चल रहा है इसके मगर एक कैमरा जो अर्श पर चल रहा है और उसमें आपके मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। आप तो हमें देख रहे हैं, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे तमाम आइन पे सब चेहरों को देख रहे हैं, आपके उठे हुए हाथों को देख रहे हैं, हमारे हिलते हुए लबों को पहले बराजमत दूधे पाक पढ़ने से मोहब्बत जाग जाती है। जाग जाती है और लहू में लेके अंगड़ाई शराफत जाती है, लेके अंगड़ाई शराफत जाग जाती है और लगाए जोश से गर्व नारे हैदर लगाए जोश से गर नारे हैदर सरे महफिल। भाई इसे सुनकर बशर की सोई किस्मत आपकी शादाब तरीन समारोह को देखते हुए जसारत कर रहा हूँ चार मिसरे और वाला अब्बास निशान के धनी तलवार के गजबात से कब शेर होते हैं, धनी तलवार के गजबात से कब शेर होते हैं, बे खिताबे लापता वाले किसी से जेर होते किताबे लापता वाले किसी से जेर होते हैं, बे शुजात ने न क्यों अब्बास हूँ फिर मिसल है इधर चौथे मिसल शजाब ने न क्यों अब्बास हो फिर मिस्र हैदर की, भाई मसल मशहूर है शेरों के बच्चे मसल मशहूर है शेरों के बच्चे कमरे बनी हाशिम रब्बे वफा बाबुल हवाइद सकते सकीना बाबुल मुराद कमरे बनी हाशिम हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बुलंदर सलवात शब्बीर तो आईने औसाफ नबी है, शब्बीर तो आईने औसाफ नबी है, भाई अब्बास चोरी सारे शुजाओं का वली चौथे मिसरे पे अब्बास जरी सारे शुजाओं का वली है, भाई शब्बीर मोहम्मद से है अब्बास अली से, शब्बीर मोहम्मद से है अब्बास अली से, एक सूरह कौसर है तो एक याद करो सम्मान रखकर देख लेते हैं, भाई हम उनके इश्क का इरफान रखकर देख लेते हैं, हम उनके इश्क का इरफान रखकर देख लेते हैं और नबी के दोष पर शब्बीर को जब देखना चाहते हैं चौथे मिसरे नबी के दोष पर शब्बीर को जब देखना चाहे तो हम कुरान पर कुरान तो हम कुरान पर कुरान रखकर देख लेते हैं। परवरदिगार ने कुरान में दिया है कि महशर में सारी कौमें अपने अपने इमामों के साथ चाहे वो इमाम अजीम हो या इमाम मुबीन हो
दो सगुरे भी इमाम के पीछे जाएंगे अपने और चल रहे, मगर एक दफा पूरी कायनात ने ये उसूल बदला चार का, हुई कबूल अकामत कयाम से पहले, हुई कबूल अकामत कयाम से पहले भाई नमाज अर्श पे पहुंची सलाम से, नमाज अर्श पे पहुंची सलाम से पहले भाई बड़े ही दाना थे सिबे हुसैन के, बड़े ही दाना थे सिबे हुसैन के दाने, गए बहिष्ट में अपने इमाम से पहले, गए बहिष्ट में अपने इमाम से पहले, ये जो एफ आई आर वाली बात है, ये एफ आई आर काटने वालों से के मजमे में मैंने पढ़ी बलूचिस्तान के सभी में यौम हुसैन, और मेरे ख्याल 5% छोटे भाई थे, 95% बड़े थे, और उन सबसे मैंने कहा अगर भाई मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो आप हाथ मत उठाइएगा, और अगर ये सही है तो फिर हाथ उठाइएगा जरूर, हाँ या नहीं, ये आपसे आपने भी उठाने, अगर हाँ या नहीं में जवाब दे कि हुसैन बागे रिसालत का फूल है क्या, हुसैन बागे रिसालत का फूल है कि नहीं, और हुसैन जीनत बज़्मे बतूल है कि नहीं, और हसन हुसैन है सरदार अहले जन्नत, हसन हुसैन है सरदार अहले जन्नत के, भाई तुम ही कहो ये हदीस रसूल है कि नहीं, मांगे जो खद गुलामी का, हसन हुसैन से मांगे जो खद गुलामी का, तो फिर उसकी शान बढ़ाना फजूल है, हसन हुसैन से, हसन हुसैन से मांगे जो खद गुलामी का, तो फिर उसकी शान बढ़ाना फजूल है, और वो जिसकी जाए विलादत को फर्ज है सही, वो जिसकी जाए विलादत का फर्ज है सजदे, भाई उसी से बोझ मुसलमान की भूल है कि नहीं, उसी से बोझ मुसलमान की भूल है कि नहीं, और है पहली शर्त इमामत की मुत्तकी होना, इसको आगे बढ़ो, है पहली शर्त खिलाफत की मुत्तकी होना, भाई क्या कहने, है पहली शर्त खिलाफत की मुत्तकी होना, भाई तुम्हारे पेशे नजर ये उसूल है क्या, तुम्हारे पेशे नजर ये उसूल है क्या नहीं, और तुम्हारे जितने हैं रहबर पर उनसे पूछ तो लो, तुम्हारे जितने हैं रहबर तुम उनसे पूछ तो लो, उन्हें अली की गुलामी कबूल है क्या नहीं, कलाम शेर कि हुसैन पुश्ते नबी पर है और बहू पर खुदा, हुसैन 337 हदीस बुखारी में है, सही बुखारी में 337 हदीस है कि हुसैन पुश्ते नबी पर है और बहू में खुदा, है रसूल पाक के सजदे में तूल है, रसूल पाक के सजदे में तूल है कि नहीं, और तुम ही बताओ, तुम ही बताओ मुझे हजरत आए किसके लिए, तुम ही बताओ मुझे हजरत आए किसके लिए, भाई अली की शान में इसका नजूल है, और हैं जितने लोग आखिश ये हैं, जितने लोग हदीसे गदीर के मुल्क के, जितने लोग हदीसे गदीर के मुनकिर, नजर में उनकी सकीफा की धूल है, जितने लोग हदीसे गदीर के मुनकिर, नजर में उनकी सकीफा की धूल है,
कि दरे बहिश्त पे रिजवान सबसे पूछेगा, दरे बहिश्त पे रिजवान सबसे पूछेगा मेरे आधे खुद का इसने दखून। ये थे हमारे मुल्क के नाम पर शायद जनाब रियाज मेरे जी साहब। मौला सेहत और सलामती अता फरमाई और अगली महफिल में जा रहे हैं, मौला खैर से दरूद भेजिए मोहम्मद वाले। कह दे एक बार जो मौलूद हरम की बेटी, कह दे एक बार जो मौलूद हरम की बेटी लेके खुद खाना एक काबा अभी चादर निकले। सलामत रहिए, जिनकी समझ में नहीं आया वो वीडियो देख ले, फिर मुझे बाद में ताज दे दे। खुद अच्छा महफिल होती है, जश्न तो मैं यही कोशिश होती है कि जश्न में थोड़ी बहुत हंसी मजाक और इज्जत अदब इहतराम के दायरे में रहते हुए होनी चाहिए और चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। पता चले जश्न मना रहे हैं और दाद तो दे ही दिया करें। मौला आपको सलामत रखे। कह के एक बार जो मौलूद हरम की बेटी लेके खुद खाना काबा, कह दे एक बार जो मौलूद हरम की बेटी लेके खुद खाना काबा अभी चादर निकले और इन अजानों को ज़ईफ़ी से बचाने के लिए, वरना कितनी हदीसें कहते ज़ईफ़ हो गई, ज़ईफ़ हो गई, खत्म हो गई, ज़ईफ़ हो गई। ये वाहिद अजान है, अगर ज़ईफ़ ना होती तो सारी पांचों अजानों में नून नून होता, तो ये ज़ईफ हो नहीं सकती। इसलिए इन अजानों को ज़ईफ़ी से बचाने के लिए जब भी अल्लाह कहो साथ में अकबर निकले। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब से गुजारिश है, ये मुझे दे मैं आपको हार पहनाऊं। थोड़ा थोड़ा अगर आगे आ जाए भाई, नवाजिश होगी, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। बराए खुशनूदी शबीर रसूल खुदा नूर नजर मौला हुसैन जाकिर अल करबला हज़रत पैगंबर इस्लाम बुलंद दर सलावात। जिक्र मौला करें और चाहे सुने, जिक्र मौला करें और चाहे सुने है इबादत में दोनों मगर, मगर है इबादत में दोनों मगर, खुद जाने के हैं दो रास्ते, ये भी आसान है वो भी आसान है। और माना रिफत मिंबर तुझे नसीब हुई पढ़ने वाली, माना रिफत मिंबर तुझे नसीब हुई, तेरे नसीब में बागे जिना के फूल भी हैं, तेरे नसीब में बागे जिना के फूल भी हैं, मगर बुलंद नहीं सामईन से जाकिर। जी बिल्कुल, मगर बुलंद नहीं सामईन से जाकिर के सामईन में जहरा भी है रसूल भी है। नारे साहब
अफगानिस्तान के अभी इतने पढ़ते लोगों ने जो देख रहा हूँ मेरे सारे पढ़े हैं सब, तो मैं चला एक एक आपको पढ़ ही दूंगा लेकिन दूसरे में आना। अच्छा इश्क़े अली में सबका टेस्ट होगा इश्क़े अली में सबका टेस्ट होगा भाई, इश्के अली में सबका टेस्ट होगा और जो लेकर ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। इश्के अली में सबका टेस्ट होगा और जो लेकर ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में जावेद साहब बेस्ट होगा। अली का दुश्मन अरेस्ट होगा। चाहने वाला वो वहां चीफ गेस्ट होगा। इश्क़े अली में सबका टेस्ट होगा, सबका टेस्ट होगा। इश्के अली में सबका टेस्ट होगा और जो लेकर ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। और अली का दुश्मन अरेस्ट होगा और जो होगा सच्चा चाहने वाला वो वहां चीफ गेस्ट होगा। महफिल अकबर में मेरा महफिल अकबर में मेरा बरसरे मिंबर होना, महफिल अकबर में मेरा बरसरे मिंबर होना भाई, इसको कहते हैं नसीबे का सिकंदर होना, इसको कहते हैं नसीबे का सिकंदर होना। और उनके इमाम पे भी शक, इन पे खुदा का धोखा, उनके ईमान पे भी शक, इन पे खुदा का धोखा, किस तरह मान लो दोनों का बराबर होना, किस तरह मान लो दोनों का बराबर होना। पहले सोए तो सही छाओ में तलवार की, हाँ जी जी, पहले सोए तो सही छाओ में तलवारों की, इतना आसान तो नहीं नफ्से पैगंबर होना। इतना आसान तो नहीं नफ्स पे अमर होना, अपने कातिल को, अपने कातिल को पिलाए शरबत, नहीं अपने कातिल को जो पिलाए शरबत जेर देता है उसे साथी एक अवसर होना। नारे सलवात जब यूसुफ़े हुसैन का फैला जहान नूर, जब यूसुफ़े हुसैन का फैला जहां में नूर, हर जर्रा ज़ोफ़िशां हुआ दुनिया का मिसले दूर, तारीकियां की अर्ज़ मदीना से दूर दूर, तारीकियां की अर्ज़ मदीना से दूर दूर, अकबर का कायनात में ऐसा हुआ ज़हूर, अकबर का कायनात में ऐसा हुआ ज़हूर। खुद था उजाले शब के अंधेरों में छा गए, खुद था उजाले शब के अंधेरों में छा गए, अकबर नहीं रसूल जमाने में आ गए। जिसकी कोई मिसाल नहीं वो मिसाल है, लैला के दर्द दिल में नबी का जमाल है,
अकबर की करबला तो हो गई 1400 साल की, करबला तो हो गई 1400 साल की, अकबर की उम्र आज भी 18 साल है। जी जजाक अल्लाह, सलामत रहिए। क्या बात जी, बिस्मिल्लाह दुरूद भेजे मोहम्मद वाले जाहिर है मसूमीन के जहूर पुरनूर की महफिल है और हम एक दूसरे की सूरत चेहरे देख रहे हैं, ये भी इबादत है। कितना बड़ा एहसास है ये हम दुआए सैयदा जो है उनके लिए कि एक एक लम्हा हमारा इबादत में गुजरता, एक दूसरे को देखे तो इबादत, एक दूसरे को देख के मुस्कुराए तो इबादत, एक दूसरे को दाद दे तो बहुत ही बड़ी इबादत। तो दाद जरूर दिया करें। एक सूरत है स्वाद से जो ये हमारी बात है और एक सूरत है सीन से, बस ये आपने जहन में रखना है कि जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो वो शहे मशरकैन क्या होगा, और जिसका बेटा रसूल जैसा हो, जिसका बेटा रसूल जैसा हो क्या खबर वो हुसैन क्या होगा। मौला सलामत रखे हमारे शहजादपुर से आए हुए मेहमान तो मैं नहीं कहूंगा इसलिए कि अली वाले मेहमान थोड़ी होते हैं, वो शहजादपुर में भी अली अली कर रहे थे, यहाँ भी अली अली कर रहे हैं, तो अपने घर से अपने ही घर में आए हैं। जुल्फकार से गुजारिश करूंगा या ये बेटा मौला की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करे और आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। अगर अच्छा जो आगे आएगा उसको अरबईन का बुलावा बहुत जल्द आएगा, ये मैं बता दूं आपको, ये जाफर बिन ग्रामी साहब की रखी हुई महफिल है, इसको हल करना चाहते आगे आगे आने, बड़ी मार्फत वाली ये महफिल है, इसमें जरूर देखिए। मेरे दुश्मन ये समझते थे कोई नहीं, मेरे दुश्मन ये समझते थे मेरा कोई नहीं, जब पढ़ी नाज अली मैंने रुका कोई नहीं, लाओ बीमार को आबिद के शिफाखाने में, लाओ बीमार को आबिद के शिफाखाने में, लाओ बीमार को आबिद के शिफाखाने में, कैद जब सारा जा इसकी दवा कोई नहीं। मेरे दुश्मन ये समझते थे मेरा कोई नहीं। करबला जुल्म के खंजर को बड़ी हैरत है, करबला जुल्म के खंजर को बड़ी हैरत है, करबला जुल्म के खंजर को बड़ी हैरत है, कट गए सबके गले और मरा कोई फातिमा जहरा तेरी चादर के सिवा, सानी